नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में जो अंतिम यानी 11वें चरण का मतदान है वो दिसंबर में होना है। 12 दिसंबर के बाद से पंचायत चुनाव का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में भागलपुर में भी पंचायत चुनाव होने वाला है और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, जनप्रतिनिधि जनता से मिल रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं पीरपैंती प्रखंड के अंतर्गत कीर्तनिया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार प्रतिनिधि सुभाष कुशवाहा की। बता दें कि सुभाष कुशवाहा ने कहा कि यदि जनता उन्हें जीत दिलाती है तो वो कीर्तनिया पंचायत का विकास करेंगे और निवर्तमान मुखिया पर जनता को ठगने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास पंचायत में नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया है। क्या कुछ कहा है मुखिया प्रत्याशी ने, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुभाष कुशवाहा नाम हुआ। किस पंचायत से आपको किस पद पे नॉमिनेशन दिया है? मुखिया पद से ग्राम पंचायत कीर्तनिया से। कीर्तनिया से पहले कभी आप चुनाव लड़े थे? जी, 2006 में पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीते भी थे, हमारी पत्नी जीती हुई थी निर्मला देवी, और हमारी पत्नी ही उम्मीदवार है मुखिया का, और निर्मला देवी जी। फिर ये पंचायत समिति छोड़ के मुखिया में लड़ने का कोई कारण? पंचायत समिति चुनाव में विकास अच्छा किए, 2006 से 2011 में अच्छा हम विकास किए, रोड बनाए, छठ घाट बनाए, सामुदायिक भवन बनाए, नाल दो दो घाट बनाए, दो दो रोड बनाए, सामुदायिक भवन बनाए, काम अच्छा किए। इसके बाद फिर पंचायत समिति में जो 2011 से 16 में मतलब हार गए, 2011 में चुनाव फिर हम हार गए, इसके बाद जो है 2016 में जनता कहा, हमारे पंचायत की जनता कहा कि आप जो है चुनाव मुखिया से लड़िए। अच्छा, तो मुखिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका क्या मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा है विकास, आदर्श पंचायत बनाना। मेरा उद्देश्य है दबे कुचले जितना भी लोग हैं उनको ऊपर उठाना, गरीब का सेवा करना। मेन भावना मेरा है कि गरीब का सेवा करना, गरीब का विकास करना। क्या जैसे मैं गरीब, चले वो तो विकास की क्या क्या आप विकास कीजिएगा, अगर जनता आपके साथ है तो कि विकास क्या क्या कीजिएगा? हमारे पंचायत जिस पंचायत सचिवालय आज तले हर पंचायत में पंचायत भवन बन गया है, हमारे पंचायत में आज तले पंचायत भवन नहीं बना है, तो पहला प्राथमिकता हम पंचायत भवन को देंगे। इसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, हमारे यहाँ का महिला जो है जो गर्भवती महिला है उनको 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है पीरपैंती, जो कि प्रसन्न, तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कीर्तनिया पंचायत में, और हाई स्कूल जो है हाई स्कूल कीर्तनिया पंचायत में जो है मैंने बनाया। आप ये बताइए कि अगर आप जीतते हैं जी, महिलाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? महिला प्रतिनिधि भी है आप जी, जी। महिला के लिए क्या काम कीजिएगा? महिला के लिए पहला प्राथमिकता शौचालय। हमारे पंचायत में आज तले शौचालय नहीं बना है, शौचालय सिर्फ दिखावा है, सिर्फ कागज़ पर शौचालय बना है कि पंचायत मैंने मुखिया जी के द्वारा जो है कहा जा रहा है, बोर्ड लिखा गया है कि पंचायत शौचालय मुक्त पंचायत, लेकिन हमारे पंचायत में शौचालय नहीं बना, सिर्फ कागज़ पर बना है। हम उसको सरजमीन पर लाएंगे। उसमें भी 2000 से 3000 वसूली किया गया है, वसूली किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको मतलब जनता आपको पूर्णतः समर्थन देती है इस बार, तो आप जनता के लिए क्या क्या कार्य कीजिएगा और क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए, इस बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जो है चुनाव हमारा पंचायत का देवतुल जनता मालिक चुनाव लड़ रहा है। इस बार हम अपने से नहीं खड़ा है, हमारे पास मैंने खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पंचायत का देवतुल जनता मालिक जो है चंदा चिट्ठा करके जो है मदद कर रहे हैं, और तो जनता चुनाव लड़ रहा है। इस बार सिर्फ हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद दें और बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। आपके पंचायत में जल नल योजना की क्या स्थिति है, जो मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा योजना है, उसकी क्या स्थिति है धरातल पर? जल नल योजना जो है हमारे पंचायत में उसका इतना खराब स्थिति है, जितना भी कहे कम है। आप चले जाइए एक नंबर वार्ड में, कहीं पानी किसी को नहीं मिलता है, एक नंबर से ही शुरू करते हैं, दो नंबर वार्ड का भी वही स्थिति है, खेत में लोग को बनवा दिया गया है कि टोंटी जो लगा दिया गया कहीं प्लास्टिक का 6 रुपये वाला, और पानी किसी को नहीं मिलता है। आप चले जाइए
तीन नंबर वार्ड में, चार नंबर वार्ड में, आप चले जाइए दस नंबर वार्ड में, जो है आप चले जाइए सात नंबर वार्ड में, छः वार्ड जो है ग्राम पंचायत से क्या, छः वार्ड में जो है एक बूंद पानी किसी भी इंसान को, पंचायत की जनता को नहीं मिलता है। अच्छा, गली नली की क्या स्थिति है? गली नली की स्थिति बहुत ख़राब है, कहीं भी गली नली, खास करके मेरे वार्ड में एक भी रुपया का गली नली योजना, जो मुख्यमंत्री गली नली जो योजना है, उससे एक रुपया का भी काम हमारे वार्ड में नहीं किया गया। पंचायत पाँच नंबर वार्ड है मेरा जी, तो मतलब काम नहीं हुआ है गली नहीं, नली नहीं का। काम नहीं किया गया। अरे, एक घूमने के लिए भी तो जनता आपको किन किन समस्या आपके बात शेयर करते हैं, क्या ज़्यादातर कौन सी बात पे आपको जोर दिया जाता है, हर जगह बोला जाता है? जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता तो देखते हैं, सब गरीब लोग है, झोपड़ी वाला है, सब लोग कहता है कि मुखिया भैया से हम जो है आए तले हम लोग का झोपड़िया है, घर नहीं बना, मैंने दस साल से मुखिया हैं, मैंने इंदिरा आवास जो है हम देख रहे हैं कि जिसको पक्का घर है उसी को इंदिरा आवास दिया गया है, गरीब जो है जो झोपड़ी है, झोपड़ी वाला जस का तस है, और जो है कुछ लोग मिले हमसे कह रहे हैं कि भैया देखिए ना, उसे 20,000-25,000 वसूली किया गया, 20,000-25,000 वसूली किया गया। अच्छा, राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड आपके पंचायत में बना है या नहीं? राशन कार्ड का स्थिति बहुत बुरा है, खास करके आदिवासी जितना गरीब पिछड़ा लोग है, गरीब है, तांती हुआ, संथाल हुआ, घटवार भाई हुआ, राजी हुआ, दास जी हुआ, ये लोग जितना भी गरीब समुदाय, मान गरीब है और एकदम निचले तबके का समुदाय जो है, उन लोगों को जो है अभी भी राशन कार्ड से वंचित रखा गया है, किसी को बनाया गया उससे भी वसूली किया गया है। आपके पंचायत में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है आपके मुखिया जी ने जी, कि आपका जो बूथ क्षेत्र है वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये जो है इधर जो है दो चार दिन पहले हम देखते हैं कि जो है डीएम साहब को, जिलाधिकारी को, मेरे पास एक कॉपी भी है, इसका एक कॉपी भी हम भी निकाले हैं, एक कॉपी है मेरे पास, तो इसमें जो है जिलाधिकारी को इन्होंने लिखा है, मुखिया जो थी निवर्तमान मुखिया श्री कुमारी चाची लगती हैं, श्री कुमारी देवी, वो जो है लिख के दी है जिला अधिकारी को कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एकदम शांति। आज हम लगभग 2001 से चुनाव लड़ते हैं, कहीं नक्सल का कोई हो हल्ला नहीं है और कहीं कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है, लेकिन ये जो है 10 साल ये जीते, 10 साल तक ले इनके शासनकाल में कहीं नक्सल नहीं था, इस बार जो है जनता जब इनसे हट गया तब ये कह रहे हैं कि नक्सल आ गया, तब कह रहे हैं कि नक्सली क्षेत्र है, नक्सल आ गया, और ख़ास करके इनके जो वार्ड है, इनका जो दो बूथ है इनके यहाँ, वहाँ का गरीब आज के डेट में भी मुंह नहीं खुलता है, आज के डेट में भी वहाँ का गरीब मुंह नहीं खुलता है, और वहाँ का गरीब का वोट वो लोग मारते थे लाइन में लग के 10-20 की संख्या में लाइन में लग के और वोट मारते थे, वो लोग वोट नहीं देने जाता था, और आज के डेट में भी स्थिति वही है। इस बार सुनते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम होने वाला है, भगवान करे अच्छा से वोटिंग हो, हम भी चाहते हैं, हम भी कैंडिडेट हैं जनता के बीच में कि वोट जमनिंग हो, सरकार से भी कहेंगे, प्रखंड विकास निर्वाचन पदाधिकारी से भी कहेंगे, निर्वाचन आयोग से भी कहेंगे, जिला अधिकारी से भी कहेंगे कि हमारे यहाँ 200 वार्ड में एकदम साफ सुथरा वोटिंग कराएं, जनता मेरे साथ है, जनता हमको जो है दिल से चाह रही है, तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ये औकात नहीं है मुखिया के चुनाव लड़ने का जो है जी। अच्छा, आप अपने टक्कर का किसको मानते हैं? कि कोई हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, दो उम्मीदवार हैं लेकिन हमारे टक्कर में कोई है, चूंकि हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा जनता लड़ रहा है, देवतुल जनता मालिक, कितने पंचायत का देवतुल जनता मालिक चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ जो है आशीर्वाद मांग रहे हैं, और देवतुल जनता मालिक ही चुनाव लड़ रहा है, टक्कर कहीं नहीं, बहुत दूर दूर तक ले नहीं है। अच्छा, अगर मुखिया जी आपको अगर जिताता है मतलब कि जनता, तो क्या मतलब कि काम वाम कीजिएगा जो बोले हैं या? बिल्कुल कामे करेंगे, हमारा सेवा, हम जो है सेवक बन के सेवा करेंगे, शासक नहीं बनेंगे, सेवक हैं, सेवक बन के सेवा करेंगे, शासक उनके जैसा शासक नहीं बनेंगे, उनके जैसा लोगों को लड़ाएंगे नहीं, आपस में जुझाएंगे नहीं, हम जो है शांति सद्भावना और शांति पंचायत चाहते हैं, शांति से विकास करेंगे, विकास करके दिखाएंगे, हमको जो है ये नहीं है कि हमको करोड़पति अरबपति खरबपति बना, हमको जो बस
सेवा की इच्छा है कि जनता एक बार हम अगर हमको मौका देती है तो हम सेवा करके दिखाएंगे, सेवक बनेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि अपने पंचायत के देवतुल जनता मालिक से कि आप जो है हमको दिल से आशीर्वाद दें और जिताएं, और जीतने के बाद जो है हम एक पैर पर कदम से कदम मिला के जनता के बीच चलेंगे और दिल खोल कर विकास करेंगे। कभी भी जनता के साथ हम धोखा नहीं देंगे, न मेरे पास छल और छल प्रपंच मेरे पास नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं, हम मीठा मीठा भाषण नहीं देते हैं, मीठा काम करके दिखाएंगे। यही है कि जनता जो है, जनता मालिक मेरे साथ जो है आज दिल से खुलकर है। जो जो कार्य अगर पूरा नहीं हो सका है पंचायत में, अगर जनता आपको जिताती है तो ये सारा कार्य कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनता के हित में जो भी काम होगा उसके लिए हर तरह से जहाँ जाना होगा, जिसका पैर करना, जिसका हाथ जोड़ना होगा जोड़ के पूरे पंचायत का विकास के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, विकास करेंगे। आप हमारे चैनल पे आए, धन्यवाद जी।